हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा। लास्ट क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन पढ़े थे, उसके टाइप्स पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो है इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। जब हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा था उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन भी पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कि उसमें इक्विलिब्रियम कैसे आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आयोनिक इक्विलिब्रिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास। सबसे पहले है इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा था कि क्या होते हैं, यानी कि अगर जैसे आइसक्रीम का एग्जांपल है, आइसक्रीम है उसको हीट करने पे वो लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाएगा और उसे दोबारा सॉलिड की फॉर्म में सॉलिडिफाई करके वो आइसक्रीम की फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि कौन से रिएक्शन होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, अब रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है वो डायनेमिक स्टेट होता है, यानी कि चेंजिंग स्टेट, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब जिस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में जो रेट ऑफ कन्वर्जन है, रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में बन जाते हैं और जो प्रोडक्ट हैं वो रिएक्टेंट के फॉर्म में जब बन जाते हैं, लेकिन उनका जो रेट ऑफ कन्वर्जन है वो इक्वल रहता है। ठीक है, यानी कि जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं उसका रेट, एंड जब वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं उसका रेट जो है वो सेम रहता है, तो इस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि अगर ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और ये रिएक्टेंट्स हैं, तो दोनों जो हैं एक दूसरे से बैलेंस होने चाहिए, एक कम या एक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि अगर रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं, दोनों का रेट जो है वो इक्वल होता है। अब जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में आने के बाद रुक नहीं जाता है, यानी कि जहाँ पे ये दोनों इक्वलाइज हो गए हैं वहाँ पे रिएक्शन नहीं रुकता है, सिर्फ वो इक्विलिब्रियम स्टेट एक्वायर करता है। रिएक्शन जो है वो चलता रहता है, ठीक है, रिएक्शन चलता रहेगा लेकिन उसका स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है जब दोनों का फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल बन जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में जब बहुत फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन जो है वो सेम रेट पे होता है, तब वो अपना इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन कर लेता है। ठीक है, और जो इसका इक्विलिब्रियम है वो डायनेमिक है नेचर में, यानी कि वो चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है कि उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की किस क्वांटिटी में यूज़ किया गया है। फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि अगर जो रिएक्टेंट हैं उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में बनाया जाए, ठीक है, और जो रिवर्स रिएक्शन यानी कि प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, जो उनका रेट है, जिस रेट से ये रिएक्शन होते हैं वो सेम होते हैं, तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ठीक है, और इस इक्विलिब्रियम में जो इसकी और प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फ आयोडाइड है, सॉरी, इनकी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसकी जो डेंसिटी है, कलर है, वो कांस्टेंट रहती है और वो चेंज नहीं होती है। और ये इक्विलिब्रियम तब तक इस्टेब्लिश रहता है जब तक इनमें से किसी एक प्रोडक्ट को बाहर निकलने नहीं दिया जाता। अगर मान लो कि ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, अब इसमें से अगर ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, अगर इसको बाहर निकलने दे दिया जाए, एस्केप करने दे दिया जाए, तो ये इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये डिसबैलेंस हो जाएगा, तो इसमें जो है किसी भी प्रोडक्ट को बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। और इक्विलिब्रियम जो है वो आइदर डायरेक्शन में, या फॉरवर्ड में या रिवर्स में, दोनों वे से जो इक्विलिब्रियम है वो अटेन किया जा सकता है। मोस्टली जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें आयंस पार्टिसिपेट करते हैं। आयंस क्या थे, बेसिकली जो चार्ज था, या वो पॉजिटिव हो सकता है या वो नेगेटिव हो सकता है, तो ये जो चार्ज होता है यही केमिकल रिएक्शन के लिए, मतलब इन्हीं के थ्रू ही केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है मोस्ट रिएक्शंस में। ठीक है, अब वो सब्सटेंसेस जो आयन को फर्निश करते हैं, यानी कि उनमें जो चार्ज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेसिस सॉल्ट्स कोई भी हो सकते हैं। अब एसिड बेसिस सॉल्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर द टाइमिंग इतना देखिए, जो सब्सटेंसेस आयंस प्रोवाइड करते हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आयोनिक इक्विलिब्रिया में क्या आता है कि अब जो सब्सटेंस जिसमें आयंस बन रहे हैं, अब ज़रूरी नहीं है उसके सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयंस की फॉर्म में बन जाएं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अनआयोनाइज रहते हैं, यानी कि उनमें कोई भी चार्ज फर्निश
नहीं होता है। तो वो इक्विलिब्रियम कैसे क्रिएट होता है, जो आयंस बन चुके हैं और जो आयंस नहीं बने हैं उनके बीच में जो बैलेंस बनता है, दैट इज नोन एज आयोनिक इक्विलिब्रिया। अब जितने भी ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आयंस फर्निश करते हैं, ठीक है, इनकी जो इक्विलिब्रियम है किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइट्स, कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब इसके बारे में एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। अब इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा कंपाउंड है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, और इन मोल्टन स्टेट, यानी कि पिघले हुए स्टेट में होना चाहिए। ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी कि इट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट, अगर उसको पानी में डिजोल्व किया जाए तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये डायग्राम है, ये इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये जो आयंस बन जाते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो है ये आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि ब्रेक हो जाता है। तो ये जो आयंस हैं, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में हेल्प करते हैं, या इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट हो पाती है। तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब जितने भी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, कटायंस या एनायंस, ठीक है। कटायंस क्या थे, पॉजिटिव चार्ज, और एनायंस थे नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो जितने भी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। और ये जो आयंस है दे एक्ट एज अ कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, ठीक है, जिस फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे NaCl लिया गया, ठीक है, NaCl क्या है, NaCl के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है अगर उसमें पानी को उसमें डिजोल्व किया जाए। तो इसके जो आयंस हैं, ठीक है, NaCl के जो आयंस हैं, यानी कि जो इसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो बन जाएगा सोडियम और क्लोरीन का, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल यही लिया गया कि व्हेन सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, देन दी फोर्सेज होल्डिंग दी आयंस टुगेदर आर ब्रोकन अप, ठीक है। अब जैसे NaCl है, इसको जब वाटर में ऐड कर दिया जाता है और इसके थ्रू पूरा ये चेन कंप्लीट कर दी जाती है, तो ये क्या होता है, ये इसके जो आयंस हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि वो ब्रेक हो जाते हैं। पॉजिटिव आयन सोडियम आयन एंड क्लोरीन जो होते हैं वो नेगेटिव आयन, इनकी इसमें जो फोर्स होती है जो इनको कम एक तरह से बांध के रखती है वो ब्रेक हो जाती है, और इनके जो आयन्स हैं ये फ्री हो जाते हैं, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है। तो ये सारा प्रोसेस था इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जब पूरा उसके अंदर जो सब्सटेंस होता है, जैसे NaCl है, अगर वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए, यानी कि उसके हर एक जो मॉलिक्यूल है वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाए, डाइल्यूट हो जाए, ठीक है, और वो बहुत सारे आयन्स जो है प्रोड्यूस करें, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जितने भी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कि ये जो आयंस, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयंस की फॉर्म में कम्प्लीटली आयोनाइज जाते हैं, कम्प्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। इसका सेम एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड जो है वो फुली डिसोसिएट हो जाता है सोडियम एंड क्लोरीन आयन के फॉर्म में, जब उसको पानी में डिजोल्व किया जाए, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, जब इसको पानी में डिजोल्व किया जाता है तो इसके जो आयन्स हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कम्प्लीटली ब्रेक हो जाते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव आयन्स हो जाते हैं सोडियम के, और क्लोरीन आयन्स कम्प्लीटली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है कि जो उसके सब्सटेंस है वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है। इसका जो आयोनाइज होते हैं, जिसमें जो आयन्स बनते हैं वो कम बनते हैं, स्मॉलर एक्सटेंट में बनते हैं, और उनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब जैसे इसको एक एग्जाम्पल लिया गया, जैसे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स एसिड बेसिस सॉल्ट कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वीक एसिड अगर कोई लिया जाए, अब ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं, जब इसको वाटर में ऐड किया जाए सिर्फ एक ही जो मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट हुआ है, बाकी दोनों मॉलिक्यूल्स अभी भी ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, ये आयंस के फॉर्म में नहीं हुए हैं डिसोसिएट, ठीक है। तो इन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब कुछ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो स्लाइटली ही आयोनाइज होते हैं, यानी कि वो छोटे से ही अमाउंट में डिसोसिएट होते हैं, और इन सब सब्सटेंसेस को बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स।
अब आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ लिया, उसके टाइप्स पढ़ लिए, अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट से बिल्कुल ऑपोजिट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या था कि वो अगर उसमें सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व किया जाए तो कम्प्लीटली वो आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा कि वो बिल्कुल भी आयंस के फॉर्म में चेंज नहीं होते हैं, या अब आयंस के फॉर्म में चेंज नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। तो ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, अगर उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया जाए तो उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, अल्कोहल, बेंजीन, ये सब जो एग्जाम्पल है, मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमें नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं वो क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयंस नहीं बनाते हैं, ठीक है, आयंस नहीं बनेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स दे डो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, एथेनॉल का एग्जाम्पल लिया गया। एथेनॉल क्या है? एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें अगर इसका सेटअप कंप्लीट किया जाए तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मीन्स ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब KCl जो है, पोटेशियम क्लोराइड, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कम्प्लीटली आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को फुली कंडक्ट करता है, जिससे बल्ब जो है बहुत ही ब्राइट ग्लो करता है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड है, ठीक है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, थोड़े से आयंस बनते हैं, तो थोड़े से आयंस क्या करेंगे? वो थोड़ी सी ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो बल्ब है वो थोड़ा डिम ग्लो करेगा, उसमें जो लाइट है वो प्रॉपर नहीं होगी, थोड़ा सा कम जलेगा वो। ठीक है, तो ये था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि आयंस के फॉर्म में नहीं बनते हैं, तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे NaCl और एक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल लिया गया। इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये कम्प्लीटली आयंस के फॉर्म में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो गया, लेकिन एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर सोल्यूशन है वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसमें आयंस जो हैं वो नहीं बनते हैं। आज की क्लास में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली कवर अप कर लिया है। अब रिव्यू क्वेश्चन करते टाइम, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके उसका आंसर खुद करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपको आज की क्लास में कितना समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर ऑन इट और इन मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड। वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, अगर उसको पानी में डिजोल्व कर दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन ऑफ द अबव। इट इज नोन एज सी, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इंटू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट इंटू रिएक्टेंट इज इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ये हमें पता है कि रेट ऑफ कन्वर्जन जब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के इक्वल होता है, प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट के इक्वल होते हैं, तो इस स्टेट को क्या बोला जाता है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, गैशियस स्टेट, आयोनिक इक्विलिब्रिया या नन ऑफ द अबव। द आंसर इज इट्स ए, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि उनके बीच में जो बैलेंस है वो बन जाता है रिवर्सिबल रिएक्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंपाउंड विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर और इन मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड। ऐसा कंपाउंड अगर उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया जाए या उसको मोल्टन स्टेट में रखा जाए, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इट इज कॉल्ड डी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्यों कंडक्ट नहीं करते हैं? क्योंकि वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? आयंस। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट होते नहीं है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज, नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर डैश कंपाउंड्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से कंपाउंड्स होते हैं? कोवेलेंट, इलेक्ट्रोवेलेंट, आयोनिक या नन ऑफ द अबव। इट इज नोन एज
ए कोवेलेंट कंपाउंड्स, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड किसके फॉर्म में होते हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से थे, जो आयंस के फॉर्म में होते थे, ठीक है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे ज़रूर शेयर कीजिए।